नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है सटीक और भरोसेमंद राय के साथ। और इसमें हमारा सहयोग देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फॉरेस्ट की तन्वी गोयल। तन्वी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या है खास। शहरी विकास की योजनाओं में केंद्र सरकार के निवेश में 3 गुना इजाफा, शहरी विकास मंत्री ने पेश किया 3 साल का लेखा जोखा। रुकी हुई जेपी विश्टाउन परियोजनाओं पर शुरू हुआ काम, ग्राहकों की उम्मीदें जागी। लेकिन यूनिटेक के घर खरीदारों की परेशानियों में कोई कमी नहीं, घर मिलने के बाद अब बिजली पानी का संघर्ष जारी। और शहरों के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में प्रॉपर्टी इंडिया ने तैयार की है शहरों में सरकार के काम की रिपोर्ट कार्ड। शहरों में चल रही परियोजनाओं में होने वाले निवेश में 3 गुना बढ़ोतरी के साथ सरकार किस तरह से शहरों की कायापलट कर रही है, आइए डालते हैं ओइनतम ओझा की इस रिपोर्ट पर एक नजर। केंद्र सरकार ने देश भर के तमाम शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4 लाख करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले 6,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें से कुछ परियोजनाएं जैसे स्मार्ट सिटीज, अमृत हृदय, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंत्रालय के 3 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखते हुए ये जानकारी दी। जो शहरी इलाके में जो परिवर्तन मुझे दिख रहे, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। अभी तक ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,13,475 crores हैज बीन अप्रूव्ड फॉर इम्प्रूविंग बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द न्यू मिशन व्हिच इज 350% ऑफ 1,18,034 crores अप्रूव्ड अंडर JNURM ड्यूरिंग 2014। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1 लाख करोड़ की लागत से बनने वाले 877 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से बनने वाले 72 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। शहरी विकास की 69 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जबकि 462 प्रोजेक्ट्स के लिए बोली मंगवाई गई है। 322 अमृत और स्मार्ट सिटीज के लिए रेटिंग पूरी कर ली गई है और इनमें से 147 को इन्वेस्टमेंट ग्रेड घोषित किया जा चुका है, जिससे इन शहरों के नगर निगम बॉन्ड जारी कर सकेंगे। पुणे अपना बॉन्ड 23 जून को जारी करने वाला है। अभी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत जो 150 सिटीज को इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग हुआ है, बट इस पे और थोड़ा सा काम इन सिटीज को करने की जरूरत है कि और इस इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीब तबकों के लिए 20 लाख से ज्यादा मकान बनाने को मंजूरी दी गई है। शहरी विकास की तमाम योजनाओं ने जिस तरह से तेज रफ्तार पकड़ी है, उससे सरकार की खुशी तो लाजमी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इन परियोजनाओं को लागू करने से पहले थोड़ी और प्लानिंग की जरूरत है, जिससे आने वाले दिनों में कोई परेशानी न आए। रिपोर्ट NDTV। चलिए अब वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अभिमन्यु वत्स। अभिमन्यु, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मुझे जयपुर में सिक्कर रोड में प्रॉपर्टी चाहिए थी, 2 BHK, 30 लाख का बजट है मेरा, तो आप सजेस्ट कीजिए। अच्छा, तो आपको जो इलाका पसंद है वो जयपुर का सिक्कर रोड है। तो ये बताइए तन्वी की 25 से 30 लाख में 2 या 3 BHK इनको चाहिए सीकर रोड पे, क्या ये मिलेगा? अंजलि जी, सीकर रोड में 2 to 3 BHK 25 to 30 lakhs थोड़ा टाइट बजट है। वहाँ के जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो 3,000-3,300 के अराउंड चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा एरिया है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा इस बजट में मिलना। अगर एरिया की बात करें तो ये बनी पार्क से शुरू होता हुआ VKI और विद्याधर नगर क्रॉस करते हुए सीकर शहर को कनेक्ट करता है,
तो जिसकी ओवरऑल कनेक्टिविटी जो है काफ़ी अच्छी है, दिल्ली जयपुर रोड पे भी ये जाके मिलता है, सेंट्रल जयपुर के आसपास कहीं पे। ओवरऑल माइक्रो मार्केट की अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, तो थोड़ा सा स्लो, मतलब साइलेंट काइंड ऑफ माइक्रो मार्केट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इस मार्केट में। छोटा सा मार्केट है, कुछ 18 प्रोजेक्ट्स हैं, 850 कुछ उपलब्ध मकान है यहाँ पे, और प्राइस जैसे कि मैंने बताया 3,300 पर स्क्वायर फुट पे चल रहा है, और पिछले 3 साल में जो इसका प्राइस का इंक्रीज़ हुआ है वो 3% के अराउंड हुआ है। जो उनका बजट मैंने जैसे कि कहा कि लोअर साइड पे है, टिपिकल साइजेस जो हैं सीकर रोड में वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो एक 2 BHK 30 लाख में फ़िट होना थोड़ा सा मुश्किल है। उनको अपना बजट थोड़ा सा 4-5 लाख से बढ़ाना पड़ सकता है। हम इनके लिए 3 प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, तीनों अच्छे लोकल रेप्यूटेड डेवलपर्स के हैं, कंप्लीशन के पास में हैं पर थोड़े से बजट से ऊपर हैं। पहला प्रोजेक्ट जो है कोरल राधा हाइट, सिंगल टावर प्रोजेक्ट है, या तो इस साल के एंड तक नहीं तो अगले साल के शुरुआत तक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है आशियाना ग्रीन्स फेज़ 1, आशियाना होम्स का, ये एक 9.5 एकर प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और तीसरा प्रोजेक्ट है मैक्स हाइट्स मेजेस्टिक फेज़ 1, अगेन आयान बिल्टेक जी। तो चलिए थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं इन अलग अलग मकानों पर जो सजेस्ट कर रही हैं आपको तन्वी। सबसे पहले है कोरल राधा कृष्णा, ये कोरल ग्रुप की तरफ से है, ये सीकर रोड पर मौजूद है, और यहाँ पर कीमत जो आपको चुकानी पड़ेगी वो 2,850 रुपये पर स्क्वायर फुट की है। अगर आप 2 BHK खरीदते हैं तो आपको 1,116 स्क्वायर फीट का मकान मिलता है। ये 2017 यानी कि इसी साल बनकर तैयार होना चाहिए, आपने अपनी ईमेल में भी कहा था कि आप चाहते हैं कि जल्दी आपको मिले। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये है आशियाना ग्रीन्स फेज़ 1, और ये आशियाना होम्स की तरफ से है, यहाँ कीमत आपको चुकानी पड़ेगी 2,500 रुपये पर स्क्वायर फुट की। अगर आप 2 BHK खरीदते हैं तो आपको 1,250 स्क्वायर फुट का साइज मिलेगा, ये भी इस साल बनके तैयार हो जाना चाहिए। और तीसरा प्रोजेक्ट जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है मैक्स हाइट्स मेजेस्टिक फेज़ 1, ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा इन दोनों से, ये 3,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से बिक रहा है। और 2 BHK आप लेते हैं तो 1,225 स्क्वायर फीट का आपको साइज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं स्वाति बजाज। स्वाति पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। सी मैम, आई एम लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी अराउंड 1 करोड़, and I have shortlisted 2 projects at Noida Expressway. One is Tata Valley Homes, that is in Sector 150 Noida, and another is ATS Picturesque Reprise, that is located at 152 Sector. So my query is, Tata is location-wise away from the expressway, however, ATS Picturesque Reprise has high FAR as compared to Sector 150 property. So I'm confused between the two. And another is ki what is the status of Jewar Airport, and how will it impact on the price hike at Noida Expressway? चलिए स्वाति, आपने अपनी रिसर्च काफ़ी अच्छी तरीके से की है, तो जैसा तन्वी आप देख ही सकती हैं कि ये सटीक सवाल पूछ रही हैं, इन्हें पता है इन्हें क्या चाहिए, और दो जो इन्होंने बिल्डर चुने हैं वो भी अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं, तो जाहिर तौर पर कंफ्यूजन होना, असमंजस होना लाजमी है। आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो इनके सवाल भी काफ़ी सारे हैं, तो एक एक करके इनके सभी सवालों का जवाब दीजिए। शुरू करते हैं उनके सेक्टर के कन्फ्यूजन से, सेक्टर 150 और सेक्टर 152। जैसे कि आपने सही कहा कि अपनी रिसर्च काफ़ी अच्छी कर चुकी हैं, सेक्टर 150 नोएडा एक्सप्रेसवे से थोड़ा दूर है, थोड़ा अंदर की तरफ है, और क्योंकि रोड कंडीशंस थोड़ी सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ऑल्दो रोड कंडीशन अच्छी है पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिक्योरिटी इशूज़ हो सकते हैं, तो उस वजह से मेट्रो स्टेशन से कम्यूट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है सेक्टर 150 के लिए, तो उस मामले में सेक्टर 152 बेटर है। पर अगर, क्योंकि सेक्टर 152 एकदम एक्सप्रेसवे से सट के है, तो थोड़ा सा शोर का प्रॉब्लम उनको हो सकता है, मतलब स्पेशली जो प्रोजेक्ट्स एकदम हाईवे से एकदम अटके हैं उनसे, और क्योंकि सेक्टर 152 जैसे कि उन्होंने बताया वहाँ पे FAR कम है, सेक्टर 152 में FAR ज़्यादा है, 3.5 का FAR है सेक्टर 152 में, तो सेक्टर 150 जो रहेगा हमेशा एक लो डेंसिटी सेक्टर रहेगा, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं करेंटली
वो उसी हिसाब से आ रहे हैं, सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो करंटली उस मामले में सेक्टर 150 बेटर है, पर क्योंकि आगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स रेडी होंगे तो 152 में भी लोग आने शुरू होंगे, तो वहाँ पे ट्रैक्शन फ्यूचर में होगा। करंटली 150 उस मामले में बेटर है। और अगर उनके दो प्रोजेक्ट की बात करें, जैसा कि आपने एकदम सही कहा, टाटा हाउसिंग और ATS दोनों बहुत ही नामी बिल्डर्स हैं उस एरिया के, और दोनों के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और दोनों प्रोजेक्ट्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। सो ATS पिक्चरिस्क रिप्रीज जो उन्होंने बताया, उसमें कुछ 500 मकान हैं और 2021 तक बन के रेडी होगा, और सिमिलरली टाटा वैल्यू होम्स जो है वो भी 2021 तक बन के रेडी होगा। दोनों रिसेंटली लॉन्च्ड हैं, दोनों अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों के साथ वो जा सकती हैं, पर दोनों के लिए उनको काफ़ी लॉन्ग टर्म होराइजन सोच के चलना पड़ेगा। 7 से 10 साल के पहले एग्जिट लेने का इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में मतलब नहीं है, तो अगर लॉन्ग टर्म होराइजन में अगर ये सोच रही हैं तो दोनों प्रोजेक्ट के लिए वी वुड से शी कैन गो अहेड, बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और उनके लिए एक और कंपेरेबल ऑप्शन हम हमारी तरफ से लेके आते हैं, वो है महागुन मेडोज, क्योंकि इसका ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, अगले साल तक डिलीवर हो जाएगा, तो इसमें कंस्ट्रक्शन डिलेज के जो चांसेस रहते हैं, जो कि एकदम जस्ट लॉन्च प्रोजेक्ट्स में होते हैं, वो थोड़े कम रहेंगे, जो बाकी दोनों उनके सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी अच्छे डेवलपर्स हैं तो ज़्यादा टेंशन की इनको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आपको आपके अपने जो चॉइसेस थे उस पर तो राय दे ही दी, एक और प्रोजेक्ट भी दे दिया तन्वी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम नोएडा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, तो अब नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही बन रहा है JP का विश टाउन, और यहाँ पर अब अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वाले हजारों खरीदारों के लिए राहत की एक खबर है। 2 साल तक काम रुके होने के बाद अब एक बार फिर काम में तेजी आई है। JP के विश टाउन में हर प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है, कुछ तो 7 साल तक की देरी झेल रहे हैं। हमारी सहयोगी ओएनतम ओझा की एक खास रिपोर्ट। JP विश टाउन में लंबे वक्त से शांत मशीनों की गर्जन एक बार फिर शुरू हो गई है। नोएडा के सेक्टर 128 में JP के कुछ प्रोजेक्ट्स में निर्माण कार्य के फिर शुरू हो जाने से विवेक जैन जैसे खरीदारों की उम्मीद बंधी है, शायद उन्हें अब अपना मकान मिल ही जाएगा। विवेक ने 2008 में JP के कैलिप्सो में मकान बुक किया था, इस उम्मीद के साथ कि 2011 तक वो अपने घर में रहने लगेंगे, लेकिन 6 साल के इंतजार के बाद भी मकान नहीं मिला। अब यहाँ काम कर रहे इन मजदूरों को देखकर वो खुश हैं। अच्छा लग रहा है, क्योंकि 4-5 साल से स्टैंड ऑफ था, देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, अब यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, तो एक होप है कि हाँ ये टाइम से हो जाएगा। कैलिप्सो अपार्टमेंट्स जो हैं उनकी डिलीवरी डेट तो नेक्स्ट ईयर Q1 तक ही है, तो मोस्ट लाइकली हो जाना चाहिए, और इट्स गुड टू सी, मतलब अच्छा लग रहा है कि ये प्रोग्रेस हो रही है, अब धीरे धीरे होगा। JP को काम शुरू करने के लिए मजबूर किया है खुद घर खरीदारों ने। बार बार धरना प्रदर्शन के नाकाम होने से परेशान 300 ग्राहकों ने नोएडा में पुलिस स्टेशन पर धावा बोला। मजबूरन पुलिस को कंपनी के आला अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज करनी पड़ी, जिसमें चीटिंग, वित्तीय घोटाला और आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं। आखिरकार इस FIR के दबाव में आकर कंपनी के चेयरमैन और CEO मनोज गौर ने खरीदारों को भरोसा दिलाया है कि वो प्रोजेक्ट को 3 साल के अंदर पूरा कर देंगे। हम लोगों ने ये विश टाउन के प्रोजेक्ट में किंगस्टन बोलीवार्ड में सन 2010 में बुकिंग कराया था, और जबकि इन्होंने हमको वादा किया था कि 2013 दिसंबर में हमको ये पोजीशन देंगे। खरीदारों और नोएडा अथॉरिटी के साथ हुई एक बैठक में मनोज गौर ने कुछ बातें साझा की, जिनके मुताबिक JP को अपने रुके पड़े काम दोबारा शुरू कर पूरा करने के लिए 9000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जिसके लिए JP ग्रुप करीब 2000 करोड़ रुपए अपने 2 सीमेंट प्लांट बेचकर जुटाने की कोशिश में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फाइल की गई जानकारी के मुताबिक ओरिएंट सीमेंट ने कहा है कि उसका JP के साथ करार हुआ है जो 31 मार्च 2018 तक पूरा हो जाएगा। विश टाउन में कुल 291 टावर्स हैं, जिनमें से 59 टावर पहले फेज के तहत हैंडओवर किए जा चुके हैं। कंपनी के बनाए नए शेड्यूल के मुताबिक अब क्लासिक, कॉस्मॉस, केंसिंगटन पार्क एंड हाइट्स, कैलिप्सो टावर्स, पवेलियन हाइट्स और पवेलियन कोर्ट के 70 टावर की 6572 यूनिट्स अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2017 और 2018 में भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पूरा कर दिया जाएगा। 95 टावर की 8953 यूनिट को सितंबर 2018 से लेकर सितंबर 2019 तक पूरा किया जाएगा।
67 टावर की 8,239 यूनिट को जून 2020 से मार्च 2021 के बीच पूरा किया जाएगा। घर खरीदारों के लिए भले ही ये एक अच्छी खबर हो, लेकिन जेपी ग्रुप की माली हालत ठीक नहीं। हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चेतावनी दी थी वो सेक्टर 25 में बने फॉर्मूला 1 ट्रैक और दूसरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अपने कब्जे में ले लेंगे। दरअसल जेपी ग्रुप पर अथॉरिटी के 680 करोड़ रुपए का बकाया है जो उसे 1000 हेक्टेयर पर बने बुद्धा सर्किट के लिए चुकाना था। अथॉरिटी ने जेपी को 31 अगस्त तक चुकाने का वक्त दिया है। नोएडा से ऐनितम ओझा की रिपोर्ट। प्रॉपर्टी इंडिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे पर कौन से प्रोजेक्ट हैं सबसे बेहतर।